स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी पर। आज हम पढ़ते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। एग्जाम में पूछे जाने वाले इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। नागार्जुन बांध के बारे में पढ़ते हैं। नागार्जुन सागर बांध का नाम कैसे पड़ा? तो नागार्जुन सागर का बांध जो है दूसरी सदी के बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर इस बांध का नाम पड़ा। यह बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई है 124 मीटर और लंबाई है इसकी 1550 मीटर। इसकी ऊंचाई है 124 मीटर और इसकी लंबाई है 1550 मीटर और यहाँ आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में तथा तेलंगाना के नलगोंडा आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तेलंगाना के नलगोंडा राज्यों के मध्य में होकर यह दोनों राज्यों में विस्तृत है, यानी दोनों राज्यों में यह फैला हुआ है। और इसकी सिंचाई से जो क्षेत्र लाभ प्राप्त करते हैं वो क्षेत्र हैं इसके इसके क्षेत्र हैं नलगोंडा खम्मम प्रकाशम और गुंटूर। इस बांध के द्वारा आंध्र प्रदेश की एट पॉइंट सिक्स सेवन हेक्टेयर भूमि भूमि पर सिंचाई की जाती है। इस बांध के द्वारा आंध्र प्रदेश की 8.67 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है और 210 मेगावाट 210 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी इस बांध के द्वारा किया जाता है। नागार्जुन सागर बांध से संबंधित कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला है, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है इसका मध्य प्रदेश, सी है इसका उत्तर प्रदेश और डी है इसका तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है इसका भद्रा नदी, बी है इसका कृष्णा, सी है भीमा और डी है इसका गोदावरी। तो इसका सही आंसर है कृष्णा नदी। क्वेश्चन नेक्स्ट है इसका, तीसरा क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध की लंबाई कितनी है? इसका आंसर दीजिए और हमें कमेंट कीजिए। दूसरा बांध है हमारा हीराकुंड बांध, इसके विषय में पढ़ते हैं। तो यह बांध उड़ीसा राज्य की महानदी पर स्थित है। यह बांध जो था यह बना 1948 में। इसका कार्य बनने का जो समय था 1948 से शुरू हुआ में पूरा तैयार हो गया।
इसकी ऊंचाई है? इकसठ मीटर। इसकी लंबाई है 4801 मीटर और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का लंबा बांध है हीराकुंड। इसकी कुल लंबाई है 25.8 किलोमीटर।